9 a.m. Good morning. Hey. Good morning. Ow, sleepy. I'm always sleepy. Hey. Yep. No. Hey all you awesome blossoming people out there. Hey all you awesome blossoming people out there. Welcome back to my channel. My name is Narupama and I hope you all are doing great. Oh, मैंने पीछे का मैस तो रियलाइज ही नहीं किया. Let me close the door. So, welcome to my channel guys. I am in my Sasral Wala village right now. And yeah, that's why this avatar. So, as you can see, I'm sweating and I was actually sweating like a pig. I don't know why people say that sweat like a pig, because pig, technically, they don't sweat actually. So yeah, whatever. So I just got done with Charu Pocha and last night, bahut barish hui, bahut tufaan aaya. Aur kisi ki na, teen wali jo chhat hoti na, wo ud gayi. So that's why you can hear the khatta patta. They're fixing it now. So yeah, that's that. And मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग करती हूँ. आई विल शो यू गाइस आवर किचन गार्डन स्लैश खेत, क्या क्या हमने उगाया है आज. सो आई विल शो यू ऑल ऑफ दैट इन टुडेज ब्लॉग. आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड टू वॉच. एंड या आई विल शो यू द बैकग्राउंड. दिस इज माय बालकनी, मेरे रूम के रूम से अटैच्ड वाली. एंड दिस इज व्हाट द व्यू. एंड इट इज सो नाइस एंड विंडी एंड इट्स I just can't tell you how happy I am, because पिछले एक हफ्ते से इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती. ठीक है. एंड आई वॉज लिटरली प्रेइंग टू गॉड कि प्लीज़ बारिश कर दो यार, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता हमसे ना, ये हमसे ना हो पाएगा. बट भगवान वॉज टेस्टिंग आवर पेशेंस एंड फाइनली कल बारिश हुई रात को और परसों भी बारिश हुई थी. बट दोनों बार जैसे बारिश हुई, बहुत तूफानी बारिश हुई, मतलब पेड़ों को ऐसे हिला दिया, कुछ पेड़ टूट गए. एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की टीम की छत उड़ गई, यहाँ थोड़ा ऐसा कुछ हुआ है. बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड फीलिंग गाइस, इट्स रियली अ गुड फीलिंग. एंड नाउ आई एम गोना गो एंड टेक शावर, बिकॉज आई यू कैन सी आई रियली नीड इट. सो आई गो एंड आई डू दैट एंड आई विल सी यू गाइस देन. सो गाइस, ये आप देख सकते हो कि ये कच्चे आम है एंड इसको पतले पतले स्लाइसेस में काटा गया है. इसको सुखाया जाएगा और इसको भाकड़ी कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. And you can use it as a amchur. So you don't have to make a powder of it. आप इसको ऐसे भी use कर सकते हैं, especially किसी दाल में अगर डालना हो तो you can do that. Right, I'm just trying to focus it. Focus. So yeah, you can use. You just put this one slice and you're good to go. And look at the mess. Now who will clean this mess? ओके मम्मी, बताइए प्लीज कहाँ लगी ये. ओ, ये तो छोटू बेबी है अभी. ये क्या है बताइए. लौकी और ऑर्गेनिक लौकी. अच्छा. मम्मी जोर से बोल रहे यार, माइक नहीं हमारे पास. ये देखिए हमने क्या बनाया, ये पापा ने बनाया है. आप बोलो ना, आपको पता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता. मैं कुछ एडिट नहीं करूंगी. ये देखो लौकी का फूल ऊपर, ये छोटा सा फूल. चलो मम्मी आओ. ये आम का पेड़ है हमारे यहाँ, तीन आम के पेड़ है. दैट्स अनदर आम का पेड़, यू कैन सी दैट. किसका ये? आंवला. ये आंवला का पेड़ है. ओके, ये आंवले का पेड़ है. ये
जोर से बोलो विटामिन सी से, वही जोर से बोलो यार। और ये है मौसमी का पेड़ है। मौसमी मेरे एक दोस्त का नाम है। और ये है एक घर छोटा सा। ये क्या है? ये चिड़िया का घर है। हमारे पास बहुत सारे चिड़िया के घर है यहाँ पे। ये हमारे पास बहुत सारे पेड़ है। हाँ मम्मी जल्दी आइए। एवरीथिंग इज प्लांटेड बाय मम्मी एंड पापा, दैट्स माय तुलसी माता। ओके चलते रहिए चलते रहिए। और ये देखिए इतने सारे अरबी के पत्ते, बहुत सारे अरबी के पत्ते हैं, विच मीन्स बहुत सारा पतेड़ बनेंगे। ये देखिए कितने सारे हैं। और ये है पपाया का छोटा सा प्लांट ट्री, वो भी हमारे खेत हैं। बट उसमें क्या लगाते हैं उस खेत में? वो भैंस के लिए चरी। भैंस के लिए चरी? यस, भैंस खाएगी। और ये देखिए धनिया, ये देखिए कितना सारा धनिया। मुझे तो पता है धनिया यहाँ लगा रखा है, मुझे लगा उस साइड लगा रखा है। ये अभी और बड़ा होगा। ये मिर्ची लगी हुई है, मिर्ची का पेड़। ये देखो मिर्ची, ये देखिए मिर्ची लगी हुई है। ज़रा पास दिखाते हैं, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। वो देखो कितनी सुंदर है, कितनी सारी है। ये रे टमाटर, ये लाल हो जाएंगे थोड़े टाइम में। वहाँ पे आप एक देख सकते हैं खीरा भी है। हम तोड़ रहे इसको अभी हैं? अभी नहीं तोड़ रहे। ये खीरा भी है यहाँ पे। एलोवेरा भी है हमारे पास। ये क्या मम्मी? ये बैंगन है। सो इस मौसम में बैंगन, करेला और भिंडी, ये तीनों खा के हम छक गए हैं। पर ये सब्जियाँ बहुत होती हैं। सी ओहो, ये देखो बैंगन, छोटू बैंगन कहाँ गया, छोटू सा बैंगन। इधर इतने सारे लगे हैं, इससे छोटू भी दिखा। टमाटर, ये देखिए गाइस, देखो दर्शकों, एक और एलोवेरा का प्लांट। गमले वाला नहीं बड़ा हो रहा ना वो गमले, उस बाहर चाहिए ना, तो जड़ों को बढ़ने के लिए जगह चाहिए। यस, चलिए चलिए आगे बढ़िए। दिस इज माई फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड, कड़ी पत्ता। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कड़ी पत्ता ओवर हियर एंड दिस स्मेल्स डिवाइन। ये आप देख रहे हो, ये जो पूरा ये खेत है, अब इसको पूरा हमने साफ कर दिया है। अब नई चीज़ इसमें प्लांट होगी। हमारे पास अनार का पेड़ भी है गाइस, पर ये अनार हो ही नहीं रहा है, इसके फूल जो गिर जाते हैं तो इसलिए वो नहीं हो पाता। ये क्या लगाया है मम्मी? ये हल्दी। ये हल्दी भी लगे। सी गाइस, वी हैव हल्दी आल्सो एंड व्हाट एल्स। ये क्या मम्मी? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये भी अनार का पेड़ है। ये अनार का पेड़ है और वो आम का पेड़ है। सो अभी हमारे पास चौथा आम का पेड़ आने वाला है। नीचे ये कद्दू के बेल है। ये कद्दू के बेल है, तो कद्दू भी आने वाले हैं। और यहाँ पे हमने बहुत सारे प्याज लगाए हुए थे, ठीक है। प्याज हमने हार्वेस्ट कर चुके हैं, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, विच इज देयर ऑन माय चैनल। क्या है ये? लीची। ओ लीची भी है। ये क्या? अमरूद लगे छोटे-छोटे। वो देखिए अमरूद तो बहुत टेस्टी लगता है। अमरूद का हमारे पास एक बड़ा पेड़ भी है जो कि आगे है, मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ही देर में। अमरूद तो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मिर्ची है, इट्स ऑल मिर्ची। ये मौसमी का है, ये भी वेरी छोटू मौसमी। एप्पल, वी हैव एप्पल आल्सो गाइस। लेट्स सी कांगड़ा वैली में एप्पल होते हैं कि नहीं। ये आड़ू भी है, हैं? दिया था आड़ू का वो फोटो। कहाँ गया वो आड़ू? नहीं। यार एक आड़ू था हमारे पास गाइस, बट चिड़िया ने खा गया है वो। हम थोड़े लेट हो गए उसको तोड़ने के लिए। बट दिस इज आड़ू का पेड़। इसमें देखिए, ये अभी छोटा, ये छोटू नींबू। ये सारे हमने यूज़ भी किया है इसके। सो थोड़े अब ये जब पक जाएंगे तब इनको यूज़ किया जाएगा, इनका नींबू पानी बनाया जाएगा। ओह सॉरी, क्या है ये? सॉरी गाइस, ये भिंडी है, मतलब भिंडी होगी यहाँ। ये मक्की है, बहुत सारी मक्की। हम मक्के भी खाएंगे जो मक्के हो जाएंगे, या मक्के का आटा बनाएंगे। ये बीन्स है, बीन्स इसमें तो लगी हुई है। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी, कितनी सुंदर सुंदर। हाँ ये लगे। एक्चुअली हम जल्दी तोड़ लेते हैं, बिकॉज ज़्यादा देर तक रखो तो फिर चीज़ें ख़राब भी हो जाती ना। तो बीन्स भी हम बहुत खाते हैं इस मौसम में, जैसे कि आप देख सकते हैं। वो इसमें अदरक लगा,
उधर ये अदरक लगा रखा है। इसको हमने कवर क्यों कर रखा है मम्मी? वो ताकि वो गर्माइश में थोड़ा बड़ा हो जाता है ना जल्दी। राइट, गर्माइश में बड़ा हो जाता है। सो दैट्स अदरक। और ये भिंडी लगी है, भिंडी दिखाई। दिस इज भिंडी। भिंडी देखनी पड़ेगी गाइस, हमने तोड़ तो ली थी। ये देखो ये छोटी सी भिंडी, ये लगी इधर। ये देखो इससे थोड़ी सी बड़ी भिंडी, अभी तोड़ ली, बोल सुबह तोड़ी है। ये एक और भिंडी। तुलसी के पौधे लगाए। ओ तुलसी के पौधे, क्योंकि हम लोग चाय में तुलसी डालते हैं सुखा के, सो वी नीड अ लॉट ऑफ तुलसी पूजा करने के लिए भी। वो आपको दिखा दिए, ये खाने वाली है। लगे, खाने के लगे। जी हाँ ये खाने वाली और है। वो मिर्ची, शिमला मिर्ची। दैट्स शिमला मिर्च गाइस फॉर यू। वी हैव कैप्सिकम आल्सो। ये देखिए इतना प्यारा सा सुंदर सा कैप्सिकम। हाँ ओहो, चले जाओ मैं। ये देखो गाइस, ये देखो बैंगन कहाँ गया। ओहो ये देखिए कितना सुंदर है। ऐसे करके बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं इसमें, आप अगर देख सकते हैं तो। ये जो पौधा है ना, और ये वाला ये है तेज पत्ता। हाँ बेलीफ। हाँ ये सूख जाता है, फिर हम इसको किस में भी डाल सकते हैं। तेज पत्ता जो होता है। ये हमारा ऑरेंज वाला पेड़ है। एंड ये हमारी है मिंट लीव्स, बहुत सारी थी हमने निकाल दी अभी। बहुत सारी मिंट लीव्स हमने निकाल दी है। पालक, पालक है ये पालक भी लगी है हमारे पास। अभी ये भी बड़ी हो जाएगी। मूली भी लगी है, ये मूली है सारी। दैट्स मूली गाइस। दैट्स अनदर पपीता का पेड़। ये क्या मम्मी? क्या मीटर, मीटर फली? ओ ये बहुत बोलते हैं मीटर वाली, वैसे तो मीटर वाली पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ये है मीटर फली गाइस, ये बहुत टेस्टी होती है। ओके आई थिंक दिस इज करेला का पेड़, इफ आई एम नॉट। ओह यस दिस इज। सो यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर सा खड़ा कर रखा है, जस्ट टू, क्योंकि ये बेल वाला पेड़ है ना, तो इसको सपोर्ट चाहिए। देखो करेले, वी गॉट करेलाज ऑल्सो। ये दूसरा वाला जो मैं आपको बताई, तीसरा जो आम का पेड़ है, दैट्स दैट। एंड ये है हमारा अमरूद का पेड़, जिसमें अमरूद लगे हुए हैं। देखो कितने क्यूट क्यूट से हैं। एंड इस पेड़ के अमरूद बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी। आई लव इट। नमस्ते जी। नमस्ते। दूध दे दीजिए जी। ओहो जरा रिप्ले करोगे चाची? थैंक यू चाची, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों वी गॉट द मिल्क, दिस इज आवर छोटू सू क्यूट सू, छोटा सा क्यूट सा डोलू। सो दिस इज कॉल्ड डोलू हियर। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे हिमाचली लैंग्वेज नहीं आती है, सो हियर दे कॉल इट डोलू। हाय गाइस, सो रात हो चुकी है और मैं अपने कमरे में हूँ, अपने वॉशरूम में हूँ इस समय, और मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा स्किन केयर। स्किन केयर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन से बेतहा मोहब्बत करते हैं तो आपको उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ ये। सो इट्स फ्रॉम मामा अर्थ, ये उनका बैम्बू शीट मास्क है, और आई एम ट्राइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट्स उपटन बैम्बू शीट मास्क, इसमें टर्मरिक है, सेफ्रिन है, सो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड यू नो पर्सनली मैंने शीट मास्क बहुत यूज़ किया है, और मुझे जो इसका कॉन्सेप्ट है काफ़ी पसंद है, मतलब शीट मास्क का इन जनरल, बिकॉज इट बहुत फर्स्ट फ्री है। आप मतलब ये पैकेट खोलो और शीट मास्क निकालो, अपने फेस पे लगाओ, और लेट इट बी फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, एंड देन जस्ट रिमूव इट एंड बस मसाज करो जो भी सिरप बचा है अपने चेहरे पे। ऑल्सो इट गिव्स यू ग्लोइंग स्किन, इवन स्किन टोन, एंड रिटेन्स मॉइस्चर बैलेंस। सो बहुत चपर चपर हो गए, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन दिस पैकेट लाइक सो। मैंने इसको ना रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया था, बिकॉज गर्मी है तो बहुत ठंडा ठंडा सा अच्छा अच्छा फीलिंग आता है, सो इसलिए मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया था, और मैंने अभी बाहर निकाला है इसको। इतना रिलीफ
इतना ठंडा ठंडा, इस चुपती जल्दी गर्मी में इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है. एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिलैक्स फॉर 15 मिनट्स एंड या आई विल सी यू गाइस आफ्टर 15 मिनट्स. So yeah, this is what my skin looks like and I'm loving it. I'm like, it's so relaxing. My skin is saying mujhe bahut sara thank you keh rahi hai. And I'm just going to leave the serum on my face for like overnight. And also maine padha isme yahan pe mention niche likha hua hai ki one sheet mask is equals to 9 days of serum hydration. So नॉलेज तक मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है बेसिकली, बट इट रियली फील्स रियली नाइस एंड आई एम जस्ट लविंग इट. मैं जाके सोने वाली हूँ बिकॉज मैं बहुत थक चुकी हूँ दिन भर से. बहुत गर्मी थी जैसे मैंने आपको बताया, बट थैंकफुली मैंने कुछ अच्छा किया अपने स्किन के लिए एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट. एंड या गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. I really hope you like this vlog. If you do, make sure you like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. Also guys, if you want to see more of my village vlogs, it's there on my channel. There is a playlist, I will link it over here and I will leave the link in the description box. So there is this entire प्लेलिस्ट जहाँ पे मैंने जितने भी विलेज में यहाँ पे गांव में व्लॉग्स बनाए हैं, तो आप वो सारे देख सकते हैं. एंड लाइक इफ यू आर इनटू लाइक गांव वाला लाइफ, सो यू कैन वॉच इट एंड यू कैन एंजॉय इट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर ऑफ दीज वीडियोज, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी मेकिंग मोर ऑफ कैबिन क्रू रिलेटेड वीडियो. एंड या सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल एंड आई शुड सी यू इन माई नेक्स्ट वन. Take care.